आमजन डॉक्टर सिस्टम सभी सहमा हुआ भी है। करीब 700 केसेस डायग्नोज हुए हैं कोविड अगले कुछ दिनों में बढ़े और मौसम भी उसका साथ देगा। पूरे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन सबसे पहले वो पेशेंट लेवे जिसको जुकाम खांसी हुआ, खुद को अलग कर दे। कोविड 19 ने वापस दस्तक दे दी है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अभी तक 752 केस पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। वहीं पर 4 मौतों को ने भी चौंका दिया है, या यूं कहें कि 4 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। पूरे देश भर की बात करें तो 3000 केसेस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है। फॉलो करना ना करना वो पब्लिक के हाथ में है, आमजन के हाथ में, हमारे हाथ में। लेकिन हाल फिलहाल हम मुलाकात कराएंगे इसी शख्सियत से जो कोविड को लेकर बहुत तेज तरार डॉक्टर माने जाते हैं। डॉक्टर प्रकाश केसवानी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो, बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब किस प्रकार देखते हैं? पहली बात तो आपको स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अब जो आपने पहले 4 साल पहले जो चीज़ देखी थी कि कोविड एकदम बहुत तेज़ी से आया, बहुत विकराल रूप के साथ आया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव, और हम लोग उस एक्सपीरियंस से आम जन डॉक्टर सिस्टम सभी सहमा हुआ भी है। अब दोबारा से कोविड के नए वेरिएंट के साथ केसेस आने लगे हैं। यह कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ केसेस, जैसे कि आपने बताया करीब 700 केसेस डायग्नोस हुए हैं जिनके आगे बढ़ने की उम्मीद होती है, क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ बढ़ती ही है और ये वायरल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले ये जीन इतना विरुलेंट यानी इतना ये भी नहीं लग रहा कि इन्फेक्शस है, जल्दी फैलेगा या ज़्यादा नुकसान करेगा। पर यह संभावना पूरी हो गई है कि कोविड अगले कुछ दिनों में बढ़े और मौसम भी उसका साथ देगा। ठंड का मौसम है, फ्लू और इन्फ्लुएंजा के केसेस वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, कोविड के भी सर्दी की वजह से कुछ ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और यह एक चिंता का विषय है जो कि हम लोगों को यह बताता है कि हम अच्छी तरह से इसका ध्यान रखें। तो एक सवाल आपसे मेरा यह भी था कि कितना खतरनाक हो सकता है? नए वेरिएंट लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस भी बढ़ रहे हैं, और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो व्यस्त इलाके हैं, बात करें सिंधी के अंबर अड्डे की, बात कर लें रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर भी पब्लिक जो लापरवाही करते सामने आ रही है, तो कितना खतरनाक हो सकता है ये जो नया वेरिएंट आ रहा है? देखो कि खतरनाक तो इसलिए हो सकता है कि ये अभी नया है और कुछ ही दिनों में ये नहीं कह सकते कितना विरुलेंटों का कितना नुकसान करेगा, लेकिन पहले की तरह खतरनाक तो हो ही सकता है। इसमें कोई अपन को आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, पूरे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, सारी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर और हिंदुस्तान में तो कहीं चले जाओ लाइनें लग रही हैं, भीड़ लग रही है, तो सबको प्रिकॉशन लेना है। और प्रिकॉशन सबसे पहले वो पेशेंट लेवे जिसको जुकाम खांसी हुआ, खुद को अलग कर दे, घर वालों से भीड़ के एरिया में नहीं जाए। ये नहीं कि मुझे तो जुकाम खांसी है, जाके भीड़ में लाइन में लग के दिखा के आता हूँ, उसके आगे वाले 4 और पीछे वाले 4 तो वैसे बेचारे एक्सपोज हो गए, उनको और चांस हो गई। तो पेशेंट को जिनको होता है खुद को प्रिकॉशन लेनी है, बाकी आमजन भी भीड़ वाले एरिया में थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें, थोड़े दिनों के लिए मास्क निकाल लें जब तक इसका रूप मालूम पड़े कि कितना इन्फेक्शियस है या कितना नुकसान कर सकता है। एक सवाल आपसे ये भी था कि क्या विशेष सावधानियां हैं जो आमजन को बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आप भी बहुत बड़े जाने माने चिकित्सक रह चुके हैं इस चीज़ के। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मलेरिया की दवाई से दो इसराइल के पूर्व में जो आए थे शुरुआत में वो ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बोलता है, तो क्या विशेष सावधानियाँ हैं जो बरतनी चाहिए आमजन को? बात करें पेशेंट्स की बात करें तो थोड़ी डिटेल से बताएं। देखो कि सावधानी ही बचाव है, और सावधानी जैसा मैंने क्या रखती है बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अगर हम ध्यान से संभालेंगे तो पहले की तरह इतना विरुलेंट या इतना अग्रेसिव फॉर्म में नहीं आएगा। और सावधानी यही है कि भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, जहाँ आपको लगता है बहुत भीड़ है थोड़ा दूरी से बैठें, और थोड़ा सा इस तरीके से बैठें कि आसपास कोई छींकने वाला, खांसने वाला, जुकाम वाला पेशेंट ना हो। भीड़ वाले एरिया में जाने से बचना है, और भीड़ में कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं तो सबसे अच्छा है अपने पुराने मास्क निकाल लेने चाहिए, मास्क लगा करके ही जाएं। और कोई भी जगह जहां ऐसा है, शादी वादी है, वहां पे सब जगह से सब लोगों से थोड़ा थोड़ा दूरी रखें, कम से कम 3 फीट की दूरी जो पहले भी हम लोग कहते थे वो 3 गज कम से कम हो, तो दूरी तो अच्छी बात है, नहीं तो 3-4 फीट तो कम से कम दूर सबसे ही रहें। और थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं तुरंत टेस्ट करा लें, क्योंकि मुझे है आज, लेकिन मेरे से फिर मेरे घर में बाकी लोगों को नहीं हो, मेरे काम की जगह पे लोगों को नहीं हो,
इसमें मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं ज़िम्मेदार हो जाऊँ, थोड़े सिम्टम होते ही जाके टेस्ट कर लूँ और लोगों से आइसोलेट हो जाऊँ, तो कम से कम ये साइकिल टूट जाए। और कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत, जब से पहले शुरुआत में जब नया नया आया था जो इटली वाले केस आए थे जयपुर में, तो बहुत सावधानियाँ थी कि हाथ नहीं लगाना है, ये नहीं करना है। अब क्योंकि वायरस को समझ चुके हैं, छूने से नहीं फैलता है, लेकिन जहाँ कहीं सिक्रीशन से वहाँ से फैलेगा, तो अपन को दूरी रखनी है, इन्फेक्शियस वाले पेशेंट से बच के रहना है, सिम्टम्स होते ही टेस्ट करना है। सब एक सवाल सामने ये भी खड़ा होता है कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं अपने क्लिनिक को चलाने के लिए लगातार दावे करते हैं कि हमारे पास कोरोना की पुख्ता दवाई है, बात कर लें कोरोना की, बात करें कोविड की बात कर लें, लेकिन कितने दावे सही हैं, क्या कोविड को आज तक इलाज कारगर हो पाया कोई? देखो कि इस तरीके के दावे करना गलत है। आपने देखा है कि पहले जब शुरू में आया था हम लोगों ने मलेरिया की दवाई भी दी और बाकी सारी मेडिसिन भी दी, फिर बाद में आया रेमडेसिविर, फिर रेमडेसिविर के भी कई ट्रायल्स आए कि ये इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन से बहुत लोगों की जान बची। लेकिन बाकी जो क्लेम करते हैं कि मेरे पास ये दवाई है, कई तरह की दवाइयाँ आई जिसका कोई लेना देना नहीं था, कीड़े मारने की दवाई से भी लोगों ने कहा कोविड मरेगा ये करके, और लोगों को बहुत खिलाई भी गई, पर ऐसी कोई दवाइयाँ हैं नहीं। और एंटीवायरल कोई ऐसी ओरल टेबलेट अभी भी कोविड के लिए आई नहीं है जो हमें कह दे कि ये ठीक कर देगी, जैसे कि बाकी जो दूसरे वायरल डिजीज में होती है। तो हमें ऐसी कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, पर सिम्टम्स जब भी होंगे बुखार खांसी जुकाम के, वो एंटीबायोटिक और ये सब तो लेने ही पड़ेंगे, और जब ज़्यादा विकराल होगा, थोड़ा भी सीरियस होगा, तो फिर रेमडेसिविर नाम की दवाई फिर काम भी आ सकती है। पर ऐसी कोई डायरेक्ट दवाई जो एंटीवायरल हो इस वायरस के लिए और टेबलेट की फॉर्म में कोई डॉक्टर दे रहे हैं या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर दे रहे हैं, तो वो ऐसी कोई अचूक कोई दवाई है नहीं। एक सवाल ये भी था कि अमूमन घरों में सर्दी जुकाम पे हल्का ले लेते हैं, क्या विशेष रहने वाली है आपकी वक्तव्य क्या है? बस यही है कि हम लोग हल्का लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हल्का तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि एक घर में एक जनों को हुआ, फिर उसके बाद 10 जनों को हुआ, फिर पड़ोसियों को हुआ, फिर सबके सब लोग अस्पताल भर्ती हो गए। हल्का तो लेना ही नहीं है, हो सकता है कुछ भी नहीं हो, ये सारी वेव 15 दिनों में शांत हो जाए और हम लोग बेफिक्र होकर मस्त हो जाएं, लेकिन अपनी तरफ से हल्का नहीं लेना है, प्रिकॉशन पूरी रखनी है, थोड़े भी सिम्टम्स हों घरेलू इलाज से नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, टेस्ट करवाएँ और इसकी दवाई खाएँ। स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा कोविड को लेकर, अवेयर कर रहा पब्लिक को, गाइडलाइन जारी कर रहा है मीडिया के माध्यम से वो कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात क्या विशेष सावधानियां कदम उठाने चाहिए सरकार को, बात कर लें क्योंकि आप डॉक्टर हैं आप ज़्यादा बड़ी बात समझ सकते हैं, तो क्या विशेष मॉनिटरिंग करनी चाहिए प्रशासन को शासन को? देखो प्रशासन तो बेचारा पहले दिन से ही लगा हुआ है, हमारे स्टेट में भी सारे प्रिकॉशंस देना, अलग से एक सेल बन गया और हमारे कॉलेज में भी अलग से एक नोडल सेंटर बना दिया, कुछ बेड सभी से अलग कर दिए, तो प्रशासन तो पूरी सावधानी बरत रहा है कि सारे सिस्टम को फिर से कोई बेड की कमी ना हो, आइसोलेशन की कमी ना हो और अच्छे आईसीयू की कमी ना हो, ये सारी सावधानियां प्रशासन रख रहा है और ये सब चीज़ों की रखने की और ज़रूरत है, जब तक कि अगले 15 दिन या 1 महीने में इसका रूप मालूम पड़ जाए कि ये शांत हो रहा है कि बढ़ रहा है। बढ़ने को आप देख ही चुके हैं, पहले शुरुआत में कुछ केसेस आते थे और बढ़ने को आया था तो कहीं बेड भी अवेलेबल नहीं था, पर ऐसा लगता नहीं अब की बार होगा, पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन को पूरी प्रिकॉशंस जारी करनी चाहिए पब्लिक के हित में और डॉक्टर्स को भी कि कहाँ दूरी रखनी है, किस तरीके से बचना है, ठंड से बचना है, जुकाम खांसी होते ही सावधानी बरतनी है, टेस्ट करना है, इलाज लेना है, ये सारी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। दावे किए जाते हैं कि सर्दियों में कोविड आता है और गर्मी में नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम है इसका? हाँ, अधिकतर शुरू से ही हम लोग ये मानते हैं कि सारी वायरल डिजीज़ सर्दियों में ही आती है, और सर्दियों में अगर देखेंगे, सालों से अगर देखेंगे, अमेरिका में हर साल टीवी पे आता है भैया इस साल ये इन्फ्लुएंजा का वायरस आएगा, ये वाली वैक्सीन लगा लो, और हर बार सर्दी में वहाँ बहुत डेथ्स भी होती हैं। और लेकिन हमारे यहाँ जब पहली बार मुझे अच्छी तरह याद आया कि मार्च को केसेस आए, तो हमें लगा कि अब गर्मी आएगी ये यहीं ख़त्म हो जाएगा मई जून में, लेकिन देखो कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बढ़ता ही गया था, तो गर्मी के बावजूद भी पूरा उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया था। सेकंड टाइम भी जब दोबारा वेव आई थी तो जनवरी फरवरी से चालू होकर मई जून तक लगातार चली। सर्दियों में वैसे वायरल डिजीज़ ज़्यादा होती है, जुकाम खांसी ज़्यादा होता है, लेकिन कोविड के बारे में यह चीज़ पिछली बार तो सत्य साबित नहीं हुई थी। इस बार क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियाँ हैं चल रही हैं, अभी कोविड ने दस्तक दे दी है और गर्मी आने वाली है, तो पब्लिक के लिए कोई विशेष संदेश, आमजन के लिए संदेश, सरकार के लिए संदेश? नहीं भाई, गर्मियाँ कहाँ आने वाली है, अभी तो पूरा 1.5 महीना मैं मानता हूँ, जनवरी एंड तक तो पूरी कड़ाके की ठंड रहेगी रहेगी,
तो पूरी प्रिकॉशन रखनी है, गर्मी आए तो भी प्रिकॉशन रखनी है, और लोगों से दूरी बनाए रखें, अननेसेसरली ऐसी भीड़ में जाएं जहाँ पे कि जुकाम खांसी लगने की जरूरत हो, आशंका हो, ऐसी जगह से बच लेंगे अभी हम लोग अपना और समाज का और देश का बचाव कर लेंगे अगर ऐसा करेंगे तो अपनी प्रिकॉशन रखें, भीड़ भड़के में ना जाएं, जहाँ जुकाम खांसी के लोग हों वहाँ पे कम से कम जाएं। रुख साहब, एक सवाल आपसे ये भी था कि ये जीनम जो नया वेरिएंट आया वो कितना घातक है, पुराने बात कर लेते हैं। देखो अभी तक के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि बहुत घातक है, पर अभी शुरुआत है और 700 में से अगर आप मानते कुछ डेथ भी हुई भी हैं तो किसी भी फ्लू से, किसी भी न्यूमोनाइटिस से इतनी डेथ तो होती हैं, और इतना कोई घातक नहीं लग रहा है और इतना कोई इन्फेक्शियस भी नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ी से एकदम से फैलेगा। लेकिन अभी नया नया समय है, आगे क्या प्रारूप होता है इसका यह तय करने में अभी 15-20 दिन कम से कम और लगेंगे, और हो सकता है इस दौरान ये कम भी होता चला जाए। लेकिन अभी तक तो ये पूरा कह पाना कि ये घातक होगा कि नहीं, चांस कम लग रहे हैं घातक होने के, लेकिन पूरा कह नहीं सकते। एक सवाल आपसे ये भी था कि जिन्होंने पहले वैक्सीन लगवा ली है, क्योंकि उस समय लगातार मंजर बहुत भयंकर था, भयानक मंजर था, उसमें वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया सरकार द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा, तो जो वैक्सीन लगा ली थी उन्होंने, उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा इसका? देखो कि वैक्सीन जो लग गई उसने बहुत बचाव किया, और वी आर लकी कि हम लोग हिंदुस्तान में थे, हम सबको खूब वैक्सीन लगी, और उससे एंटीबॉडीज तो अच्छी बनती हैं, उसका हालांकि टाइम हो गया, लेकिन जिस चीज़ की वैक्सीन पहले लग चुकी है लगभग वैसे ही वेरिएंट जो दूसरा उसका इन्फेक्शन होगा, तो प्राइमिंग पहले ही हो चुकी है, इन्फेक्शन होते ही दोबारा से एंटीबॉडीज अपने आप से खूब बनेंगी, तो उस पहले वाली वैक्सीन की वजह से प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा, इसलिए उम्मीद है कि इन्फेक्शन भी कम होंगे और उसका घातक रूप भी कम आएगा, उसका फायदा रहेगा। इस सवाल एक जहन में यही आ रहा है कि पहले जो कोविड आया था उसको आपने टैकल कर लिया, हालांकि उसका कारगर इलाज अभी तक नहीं आया, कि अब जो वेरिएंट आया है बता रहे हैं हैवी वेरिएंट है उससे भी, तो ये वेरिएंट चेंज कैसे होते हैं, क्या इसके परिभाषा है? जो वायरस होते हैं उनकी जो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, उसमें छोटे से थोड़े से जीन्स होते हैं और आरएनए नाम का एक वो होता है कि पार्टिकल होते हैं, और उस पर ही जीन्स होते हैं, और उसमें वायरस मल्टीप्लाई जल्दी होता है, एक एक मिनट में मल्टीप्लाई होकर के एक के सौ एक के कितने ही होते चले जाएंगे, तो जब बार बार उसके मल्टीप्लिकेशन होता है तो कोई ना कोई जीन चेंज हो जाते हैं, उन जीन को चेंज जो होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और म्यूटेशन के बाद हो सकता है वो जीन वायरस ख़त्म ही हो जाए, हो सकता है कि वो वायरस से ज़्यादा सीरियस हो जाए और ज़्यादा घातक हो जाए, हो सकता है कि वो वायरस माइल्ड हो जाए, तो म्यूटेशन से जो वायरस में चेंज आते हैं वो जीन्स की चेंज की होने की वजह से होते हैं, और उससे वायरस का प्रारूप बदलता रहता है, ये सारे वायरस में हुआ करता है। ये थे डॉक्टर प्रकाश केसवानी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक रहकर कोविड से भगाना है, कोविड को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी पूर्व में उसका पालन करना है, और बिना जागरूकता के लिए बिना जागरूक हुए जनता है जो कोविड को बढ़ावा देने में लगी है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना अंजाम दे सकता है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, तनागिरी मीडिया, जयपुर।